कहते हैं क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन इस जेंटलमैन्स गेम में जब दो दिल्ली के लौंडे जुड़ जाए तो ये जेंटलमैन्स गेम कहाँ खो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ पिछली रात, जहां पर आरसीबी और लखनऊ के बीच मुकाबले में गौतम गंभीर एक दिल्ली के लड़के के सामने आया, दूसरा दिल्ली का तेज तर्रार और तीखा लौंडा विराट कोहली। जब इन दोनों के बीच आमने सामने हुआ तो भाई तू तू मैं होना तय था। कुछ ऐसा ही हुआ जब ये दोनों आमने सामने आए, लंबा इंतजार था, 2013 से इनकी जो दोस्ती है वो चली आ रही है, और एक बार फिर आए जब मैदान पर तो तू तू मैं गर्मा गर्मी हुई। और क्या कुछ हुआ हम आपके सामने बात करेंगे, और बात करेंगे कि आईपीएल के इतिहास में ये पहली दफा नहीं था जब कोई दो खिलाड़ी भिड़े हों और लड़ाई हुई हो। आईपीएल में कई दफा हो चुका है जब दो खिलाड़ी आमने सामने आए हो और तू तू मैं हुई हो। तो हम बात करेंगे आईपीएल के इतिहास में पांच सबसे बड़ी लड़ाइयों की। तो भाई पहले चलते हैं पहले साल की तरफ, यानी कि 2008, जहां पर दो टीम्स आमने सामने भिड़ी थी, मुंबई इंडियंस और सामने श्रीशांत की टीम यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब। अब इस इंस्टेंस के बारे में किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके दिमाग में तरोताजा है ये इंस्टेंस कि क्या कुछ हुआ था और कितना कॉन्ट्रोवर्शियल था यहाँ पर ये मुकाबला। और मुकाबला यहाँ पर जीता था किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने, जहाँ पर तू तू मैं और जो गर्मा गर्मी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हरभजन सिंह जो थोड़े से नाखुश थे उस हार के बाद, कहीं ना कहीं वो उनका जो गुस्सा था वो उनकी परम प्रकाष्ठा पे था। और वहाँ पर दूसरी तरफ श्रीशांत, जब दोनों ही टीम का यहाँ पर रिजल्ट आ गया, यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब मुकाबला जीत गई, तो जब दोनों ही टीम्स आमने सामने आए हाथ मिलाने लगे तो वहाँ पर एक चीज़ ऐसी हुई जिसकी किसी ने भी कामना नहीं की थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हरभजन सिंह यहाँ पर वर्बल से ज़्यादा एक्शन पे बिलीव करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक्शन पे बिलीव करा और श्रीशांत के ज़ोरदार चमाटा जड़ दिया बीच मैदान पे। जी हाँ, उन्होंने ज़ोरदार चमाटा जड़ा यहाँ पर श्रीशांत को, और उसके बाद श्रीशांत मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। और आप देख भी सकते हैं भाई कैसे श्रीशांत यहाँ पर फूट फूट के रो रहे हैं। तो इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब दोनों ही खिलाड़ी गए और वहाँ पर उनके बीच बातचीत हुई, और कहीं ना कहीं जो इनकी तू तू मैं थी वो वहाँ पर सुलट गई। लेकिन ये जो इंस्टेंस था ये सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है आईपीएल के इतिहास की। अब तक वर्बल बहुत चीज़ें हुई है लेकिन एक्शन आज तक नहीं हुआ था, और आईपीएल के पहले ही साल में यहाँ पर हरभजन सिंह ने श्रीशांत को चांटा जड़ा, और ये पूरा जो मामला है काफ़ी आगे तक गया था, दोनों को बैन भी लगा था। लेकिन अब चलते हैं दूसरे इंस्टेंस की तरफ। दूसरा बड़ा यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था जो तू तू मैं हुई थी वो हुई थी एक और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और एक और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी। तो भाई मुंबई का खिलाड़ी था कायरन पोलार्ड, दूसरी तरफ आरसीबी की टीम गेंदबाजी कर रही थी, मिचेल स्टार्क गेंदबाज थे, और दोनों ही अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के, भाई यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे और बार बार जब जब यहाँ पर मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आ रहे थे कुछ ना कुछ साइड स्क्रीन में दिक्कत हो रही थी, इसके चलते पोलार्ड स्ट्राइक से हट जाते थे। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो आरसीबी के गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे उनका गुस्सा बढ़ रहा था कि बार बार मैं रनअप लेकर आऊँ और सामने वाला बल्लेबाज अपने क्रीज से हट जाए, और इंटरप्शन हो रही थी उनको रनअप, इसके चलते वो परेशान हो गए थे। और यहाँ पर एक बार फिर ऐसा हुआ कि यहाँ पर रनअप लेते हुए नजर आए यहाँ पर मिचेल स्टार्क, और भागते हुए नजर आए, वो गेंद डालने ही वाले थे, एक बार फिर कायरन पोलार्ड साइड स्क्रीन की दिक्कत की वजह से क्रीज से हट गए। तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क अपनी गेंद को डालने से रुके नहीं और उन्होंने फॉलो किया कायरन पोलार्ड को, वो गेंद कायरन पोलार्ड के बगल से गई, इसके चलते कायरन पोलार्ड का भी गुस्सा यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया और कायरन पोलार्ड ने बैट फेंक के मारा मिचेल स्टार्क को। खैर ये बल्ला उनके लगा ही नहीं, वो उनके कायरन पोलार्ड के पैर पर ही गिर गया, ये बल्ला पैर के आसपास, और इसके चलते यहां पर एक बड़ा यहां पर अंपायर्स को आना पड़ा और बड़ा यहां पर लड़ाई हो सकती, इसके चलते अंपायर्स ने इस बीच का इसके अंदर बीच बचाव किया और ये बड़े लड़ाई होते होते रुक गए यहां पर। तू तू मैं से ज्यादा हाथ पैर बल्ले सब चलना तय थे। तो भाई ये थी दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई। अब चलते हैं एक और लड़ाई की तरफ, जहां पर धोनी का नाम यहां पर याद आता है भाई। आईपीएल में यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने वापसी की थी और मुकाबला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। वैसे तो एमएस धोनी काम एंड कंपोज नजर आते हैं लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब मुकाबला हो तो इनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हमने अभी पिछले दिनों जो सीएसके और आरआर का मुकाबला हुआ था वहां पे भी हमने देखा था कैसे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कैप्टन कूल रहने वाले महेंद्र सिंह धोनी, उनका जो तापमान था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था हमारे कैप्टन कूल का, और वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ चिल्लाते हुए नजर आए थे। तो भाई ऐसे ही हुआ था 2019 में भी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और आरआर का मुकाबला था, सीएसके काफी ज्यादा फंस चुकी थी उस मुकाबले में, रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, एमएस धोनी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे और वहां पर एक नोबॉल के चलते यहां पर विवाद हुआ था और उस नोबॉल पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। एम्पायर ने वो नोबॉल नहीं दी थी, एक लेग एम्पायर ने अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाया था लेग नोबॉल देने के लिए लेकिन तुरंत उसने हाथ नीचे कर लिया, इसके चलते एमएस धोनी इस निर्णय से काफी नाखुश थे। एमएस धोनी जो पवेलियन में बैठे हुए थे वो बाहर आए मैदान पर, एम्पायरों से बातचीत करी और काफी
तूतू मैमे होने के बाद वो नो बॉल नहीं दी गई। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी एमएस धोनी की तरफ से, क्योंकि एमएस धोनी एक ऐसा खिलाड़ी जो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, काम कंपोज रहता है, यहाँ पर उनके बीच ऐसा हुआ। तो भाई अगली लड़ाई की तरफ चले तो वो चलता है भाई एक और विकेट कीपर, यानी कि एमएस धोनी से हम चलेंगे एक और भारतीय टीम के विकेट कीपर जो फिलहाल इंजर्ड है, ऋषभ पंत। तो भाई पिछले साल आईपीएल में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और वो लास्ट ओवर तक चल रहा था, केकेआर सामने वाली टीम थी, और यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसे हुई थी कि दिल्ली की टीम को काफ़ी जीत के लिए काफ़ी रन चाहिए थे, लेकिन रोमन पवाल एक तरह से छक्के मारे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो हार वाली उम्मीद थी वो जीतने में तब्दील हो रही थी। रोमन पवाल का फॉर्म शानदार चल रहा था और सबको लग रहा था भाई रोमन पवाल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो यहाँ पर मैच लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ पंत जो डगआउट में बैठे हुए थे और रोमन पवाल की एक गेंद थी, वो मैच काफी ज्यादा क्लोज जा चुका था, गेंदबाज केकेआर के गेंदबाज ने बॉल डाली और वो बॉल रोमन पवाल के वेस्ट साइड से ऊपर थी, जहां पर रोमन पवाल ने उस गेंद को भी छक्का मार दिया था। तो लेकिन यहाँ पर जो सवाल फिर दोबारा से नो बॉल पर आया, जो अंपायर्स थे और जितने भी थे उन्होंने नो बॉल नहीं दी। ऋषभ पंत जो कि पवेलियन में बैठे हुए थे, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ पवेलियन में बैठा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश था इस निर्णय से। काफ़ी ज़्यादा बातचीत चली थी इस निर्णय के आसपास, लेकिन दिल्ली ये मुकाबला फिर भी नहीं जीत पाई थी। और वहाँ पर जब ऋषभ पंत ने सायरन दिया, एक आवाज़ दी अपने खिलाड़ियों को जो मैदान पर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने मैदान से वापस आने को उनको कहा कि भाई आप मैदान छोड़ दीजिए, आप ये मैच यहीं पर छोड़ दीजिए। प्रवीण आमरे, तमाम जितने भी कोचेस थे उन्होंने भी, शेन वॉटसन थे, उन्होंने भी ऋषभ पंत को शांत कराया, लेकिन भाई जो एक्शन थे ऋषभ पंत के वो साफ थे कि आप मैदान छोड़ दीजिए, आप हमारी साइड आ जाइए, आप ये गेम हम अबैंडन कर देंगे। तो भाई ये चीज़ अंपायर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऋषभ पंत का एटीट्यूड। उसके बाद प्रवीण आमरे, ऋषभ पंत सबको आईपीएल की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से खड़ी खोटी सुनाई गई, उनकी तरफ चार्ज भी लगा गया। तो भाई आखिरी लड़ाई वो भी चलते हैं भाई, यानी कि हम 2023 से चलेंगे वापस से 2013 में, यानी कि भाई गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। ये लड़ाई 2013 में हुई थी और इसके अंदर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, गौतम गंभीर फील्डिंग करते। उस टाइम पे नए नए कप्तान नियुक्त हुए थे विराट कोहली और गौतम गंभीर तो वैसे ही हीटेड फायर्ड अप रहते हैं, और उसमें मूवमेंट में हुआ ये था कि भाई विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली गेंद पर आउट हो गए थे और विराट कोहली जब पवेलियन लौट रहे थे तो कुछ ना कुछ बातचीत हुई, वर्बल हीट एक्सचेंज हुआ, जहां पर गंभीर बिल्कुल बतौर कप्तान आ गया है विराट कोहली के, इनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, तो इनकी तूतू मैं हुई और कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ता गया। उसके बाद गंभीर ने काफ़ी इंटरव्यूज़ में एक बात भी कही कि अगर ये चीज़ दोबारा रिपीट होती है, अगर कोई मेरे खिलाड़ी कुछ कहेगा तो मैं दोबारा से यही सेम चीज़ें रिपीट करूँगा, उनको अपनी हरकत का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। और उसके बाद अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए उस इंस्टेंस के बाद, लेकिन 2023 में जब ये दोनों ही खिलाड़ी आमने सामने आए तो दोबारा से वही चीजें सामने आई और विराट कोहली गौतम गंभीर की तूतू मैं ज्यादा हुई, जिसके चलते यहां पर नवीन उल हक भी आए, कायल मेयर्स को लेके चले गए गौतम गंभीर, और ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ में नजर आया। आपकी क्या राय, आपकी फेवरेट, अपनी बेस्ट, आपकी पसंदीदा लड़ाई हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।